शिवपुरी के अमूला थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर एक ढाबा संचालक ने अपने नौकर को शराब चोरी करने के शक में रस्सी से बांधकर लाठियों से बुरी तरह पीट दिया। ढाबा मालिक की क्रूरता इतने पर ही नहीं रुकी। ढाबा मालिक ने अपने नौकर के मुंह में कपड़ा ठूस दिया, काफी देर तक थर्ड डिग्री जैसा टॉर्चर करता रहा। आपको बता दें कि शराब ठेकेदार के साथ आबकारी की मिली भगत से हाईवे पर होटल और ढाबे पर बड़े ही आराम से ये ढाबा और होटल संचालक अपने ग्राहकों को शराब मुहैया करा देते हैं। कुल मिलाकर शराब की चोरी के इल्जाम में पीटा गया नौकर को ढाबा मालिक ने जितना गुनहगार समझा, उनसे ज्यादा शराब को रखने और बेचने का गुनहगार खुद ढाबा मालिक होगा। अब देखना होगा कि आबकारी पुलिस इस ढाबा मालिक पर क्या कार्रवाई करती है। कच्ची शराब का मेरे पे इंजाम लगा रहे थे। कच्ची शराब बेचते थे शुरू से। मैंने कच्ची शराब की बड़े हुए मेरा नाम लगा था उसे। अच्छा, तो कौन लगा रहा था? आपका नाम राजकुमार। और पूरा राजकुमार लोधी था और अब्देश लोधी था अजय। फिर उसके बाद क्या हुआ? मुझे घर पर आता घर से उठा के ले गए, मेरी कच्ची शराब क्यों ले गया उठा के। फिर क्या हुआ? फिर मारपीट करी किस तरीके की मारपीट की आपके? मांग कर मारो मुझे। अच्छा, आपका जो वीडियो बनाया गया है वो वीडियो किसने बनाया है? वीडियो राजकुमार खटीक ने बनाया थी, सिस्टर वाले ने। उनके नाम बताएं। राजकुमार था लोधी, राजकुमार लोधी था, अब्देश लोधी था, अजय लोधी था। अच्छा चलो ठीक है। इसमें कल सूचना मिली थी कि एक दिन पहले परसों इस तरह की मारपीट आई। इस जो नौकर था उनके यहाँ काम कर रहा था पिछले दो महीने ढाबे पे, तो उनको कोई शंका हुई, कोई सामान उसने चुरा लिया है, तो उसकी मारपीट आई काफ़ी जोर ज़्यादा की गई और उससे भी कहा गया कि आप अपना सामान दो, चोरी का सामान दो। तो उसमें हमने कल ने पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध किया है, आरोपियों को गिरफ्तार भी आज किया गया, दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, बाकी पे भी कार्रवाई की जा रही है। सर, इसमें बताया जा रहा है कि शराब वगैरह बेचने का मामला था, कुछ शराब वगैरह चुराई लगी थी। अभी ये प्रकरण की इन्वेस्टिगेशन में और क्लियर होगी, लेकिन कुछ इस तरह की बात आई है कि ढाबा में इनका जो नौकर था उसके ऊपर इनका एलिगेशन था कि कुछ सामान चुरा लिया उसने।